योगी सरकार भले ही प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे कर रही हो, लेकिन आए दिन बच्चियों के साथ हो रही वारदातों के बाद इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ताज़ा मामला हमीरपुर का है, जहां 10 साल की मासूम बच्ची का शव गांव के बाहर झाड़ियों में नग्न हालत में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मृतिका के परिजनों का कहना है कि रात में सोते समय कोई बच्ची को उठा ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जी कागज बाहर पड़ी थी बच्ची, तो रात में कोई आया उसको लेकर के बलात्कार कर दिया, उठा के और गला घोंट दिया है। और हम घर में थे नहीं, बाहर भट्टे में पथाई कर रहे थे नौरंगा पर, मैं फैमिली के साथ सब। और जब हमको वहाँ से फोन गया कि तुम्हारी बच्ची वहाँ मरी पड़ी है, तब हम वहाँ से आए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद बांदा के DGI और कानपुर से डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। जनपद हमीरपुर के थाना क्षेत्र कुरारा में एक गांव में एक 11 वर्षीय बच्चे की गला दबा करके हत्या की गई है, और इस बात की भी संभावना है कि उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया है। उस घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है, और इसमें टीमें जो हैं गठित की गई हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र इसमें अभियुक्तों की पहचान हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने का साहस न कर सके। फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, और मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने टीम का गठन कर दिया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आए दिन मासूम बच्चियों के साथ हो रहे इस दरिंदगी पर कब अंकुश लगेगा। पंजाब के CTV के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।